अच्छा तुम्हारी वो कंस्ट्रक्शन कहाँ तक पहुँची? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक चल रहा है यार। एक मशवरा तो दो। हाँ। कंस्ट्रक्शन के लिए सरिया कौन सा खरीदूं? मॉडल स्टील का सरिया ही खरीदो। इसमें क्या खास बात है? मॉडल स्टील का सरिया जदीद तरीन क्वालिटी एश्योरेंस लैब से पास होता है, जहाँ पर इसकी मजबूती और मयार को परखा जाता है और यूँ हमें बेहतरीन क्वालिटी दी जाती है, सिर्फ दावा नहीं किया जाता। अरे यार मैं तो समझा कि तेरा ये दिमाग सिर्फ शतरंज में ही चलता है। मॉडल स्टील, मॉडल ऑफ स्ट्रेंथ। पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट के साथ नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं एशियन ट्रेड टीवी का मकसद पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को इंटरनेशनली प्रमोट करना है। इसी सिलसिले में हम डिफरेंट जगहों पर, डिफरेंट अदारों में, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के जो सीईओज हेड्स हैं उनको हम वक्तन फवक्तन उनके सक्सेस स्टोरीज हम आपके सामने लाते रहते हैं। आज इसी सिलसिले में मेरे साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग, हमेशा की तरह इंटरेस्टिंग शख्सियत मौजूद है। उनके बहुत से तारुफ हैं। अगर उनकी फैमिली की बात करें तो फैमिली का तारुफ भी जो है बेमिसाल है। लाहौर की जब भी कोई हिस्ट्री लिखी जाएगी, लाहौर की सियासत की जब भी हिस्ट्री लिखी जाएगी, तो लाहौर की सियासत स्पेशली उनकी फैमिली के इर्द गिर्द घूमती हुई नज़र आएगी आपको। उनके फादर हों चाहे वो हों, उनकी खिदमात अपनी पार्टी के लिए और अपने एसोसिएशंस के लिए और अपने शोबे के लिए बहुत ज़्यादा है। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं उनके फादर के पहले तारुफ कराऊं या उनका तारुफ कराऊं। यानी कि फादर तो जो थे उनका तारुफ तो बेमिसाल था ही, लेकिन उनके बेटे भी अब किसी तारुफ के मुहताज नहीं। जी नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ इस वक्त ज़ुल्फ़िकार अली बदर साहब के साथ, जो कि फर्जंद हैं जहांगीर बदर साहब के, जो कि आपको पता है शहर लाहौर की जान रहे हैं। और आपको मैं बताता जाऊँ, ये तारीखी नाम कायदे जो पीपल्स पार्टी के कायद थे, फाउंडर थे, जो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे, उन्होंने जेल से स्पेशली इनका नाम रखा था इनकी पैदाइश पर। ये बहुत बड़े ऑनर की बात है एक सियासी कारकुन के लिए। हम इसी प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हुए उनसे डिस्कस करेंगे उनका ये सारा सफ़र। बहुत सारी हैवी पोर्टफोलियो है इस वक्त। कोशिश करूँगा जानने की कि ज़ुल्फ़िकार अली बदर साहब में कितनी झलक नजर आती है जहांगीर बदर साहब की। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मियां साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? सर अल्लाह का बड़ा एहसान है, आप सुनाइए। थैंक यू वेरी मच। हमेशा की तरह मुस्कुराता हुआ। अल्लाह ताला का बड़ा करम है जी, बहुत शुक्र है, इतना अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं। अली भाई, मैंने जैसे तारुफ में बताया कि आज मेरे साथ एक लाहौरी मुंडा जिसके लाहौर की सियासत भी घूमती है और जहांगीर साहब का नाम भी है बहुत बड़ा नाम और पीछे भुट्टो साहब का भी है। आपकी ज़िंदगी के बहुत सारे पहलू हैं, ठीक है, मुझे खुद समझ नहीं आ रही मैं किस पहलू से इस चीज़ को उजागर करूं और आप लोगों को बताऊं। सबसे पहले हम आपके ऊपर बात करता हूं मैं कि आपके माशाल्लाह मैंने पोर्टफोलियो देखा है, बहुत हैवी पोर्टफोलियो है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट भी है। आप साग चैम्बर के यानी कि उसमें उसका भी पार्ट रहे हैं और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का भी रहे हैं। ये एज ए पाकिस्तानी बहुत बड़े एहसास की बात है। थोड़ा सा मुझे आप खुद से तारुफ अपना बताइए ताकि हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि अपने स्टार्स के मतलब लोग जानना चाहते हैं, तो ख्वाबों से तबीयत के इस सफ़र में आज प्लीज थोड़ा सा बताइए। थैंक यू वेरी मच मियां साहब। आप सबसे पहले कि आपकी तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया कि आपने जो अच्छा इनिशिएटिव लिया है उसके अंदर आपने मुझे भी अपना प्रोग्राम का हिस्सा बनाया और मुझे भी चांस दिया कि मैं आपके साथ गपशप लगाऊँ और व्यूअर्स के साथ एक मैसेज आगे कन्वे करें। देखिए ये जो मेरी जो लाइफ है दैट हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, उसके अंदर आज हम जो भी हैं, जो भी नाम है, जो भी मैं बना हूँ या जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, वो सारा कुछ मेरे फादर की वजह से ही है। क्योंकि जो मेरे फादर की स्ट्रगल है उसको इट्स अ अनमैच स्ट्रगल, तो और उन्होंने ज़िंदगी में इतनी स्ट्रगल की है, इतनी सेक्रीफाइसेस की हैं इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी को बहाल करने के लिए, और
एक इज्जत और एक अच्छे प्रिंसिपल लाइफ करेक्टर वाली जिंदगी को लोगों को एक एग्जाम्पलरी लाइफ देने के लिए कि वो दैट इज अनमैच्ड, कि मैं तो उसके करीब ही नहीं हूँ ना, उसको अगर हम फॉलो ही कर लें, उसको रिटेन ही कर लें और उसको सस्टेन कर लें तो वो ही मेरे लिए और हम घर वालों के लिए बहुत बड़ी बात होगी। मेरी पैदाइश जब हुई तो मेरे वालिद साहब उस टाइम कोडलकपा जेल में थे, जैसे आपने इंट्रोडक्शन में कहा, तो भुट्टो साहब भी उस टाइम कोडलकपा जेल में थे, तो उस टाइम मेरे पैदाइश की खबर मेरे वालिद को दी गई, तो वो फिर जेल के अंदर आपको पता है वो खबर पता चल जाती है, भुट्टो साहब को पता चला कि जहांगीर बदर साहब का बेटा पैदा हुआ, तो उन्होंने कहा कि उसकी तस्वीर मुझे भेजो, तो वो आपको पता है कि डिजिटल दौर नहीं था, तो मैसेज जाने और आने में 10-15 दिन लग जाते थे, 15 दिन बाद मुलाकात होती थी, वो फिर मेरी तस्वीर भेजी गई, उसके पीछे भुट्टो साहब ने अपना हाथ से लिखा, फिर उन्होंने अपनी वाइफ बेगम नुसरत भुट्टो साहब को कहा, वो फिर हमारे अंदरून शहर वाले जो घर था दिल्ली गेट में जी जी वो अभी भी है बंदर लेकिन है, तो उधर बेगम साहब फिर गई, वहाँ पे मेरी वालदा थी, दादी थी, मेरी फूफो वगैरह थी सारी, तो वहाँ पे सारी फैमिली थी, ताया ताई चाचियाँ सारे, तो वहाँ पे वो बेगम साहब गई, फिर उन्होंने कहा कि मैं इस बच्चे का नाम जो है भुट्टो साहब की ख्वाहिश पे जुल्फकार अली भुट्टो रखती हूँ, दैट्स हाउ आई वाज नेम्ड आफ्टर जुल्फकार अली भुट्टो साहब, तो मेरा नाम जुल्फकार अली भुट्टो रखा गया, तो दिस इज वन ऑफ द बिग ऑनर्स के मेरा नाम ही भुट्टो साहब ने रखा, और उसी चीज का साथ ये कि मेरे फादर ने आउट ऑफ हिज 55 ईयर्स ऑफ लाइफ पॉलिटिकल स्ट्रगल 50 साल पीपल्स पार्टी में गुजारे अपनी जिंदगी तक, पार्टी बनने से पहले ही स्टार्टेड विद भुट्टो साहब इन अ कमिटमेंट टू स्टे विद हिम, और फिर पार्टी के वो जब तक जिंदा रहे पार्टी के साथ ही ना पार्ट ऑफ द लाइफ ऑफ माय फादर, और फिर ये कि मैं बचपन से हम स्कूलिंग मेरी क्रेशर मॉडल की थी, फिर मैंने वहाँ से मैट्रिक किया, फिर गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता रहा, वहाँ से ग्रेजुएशन की, फिर मैंने यहाँ से नेशनल कॉलेज से ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से बीबीए भी किया, एमबीए आईटी किया, मैं बाहर चला गया, बाहर से मैंने एमबीए किया एक और, फिर पाकिस्तान वापस आया, फिर मैंने यहाँ पे बैंकिंग पढ़ाना शुरू किया यूनिवर्सिटी में एमबीए के स्टूडेंट्स को, फिर साथ ही मैंने बैंक में जॉब मुझे मिल गई तो मैं बैंक में काम करता रहा, दो साल मैंने एक बैंक में काम किया लोकल बैंक में, फिर एक मल्टीनेशनल बैंक था, दो साल मैंने उसमें काम किया, साथ में एमबीए की क्लासेस में स्टूडेंट्स को पढ़ाता था, तो 10-12 साल मैं पढ़ाता रहा, फिर उसके बाद मैंने 2007 में जब 8 में इलेक्शन होने थे तो बीबी शहीद ने मुझे टिकट दे दी, तो मैंने इलेक्शन कंटेस्ट किया एमपीए का कोडलकपत के, ये वही एरिया था जहाँ पे भुट्टो साहब ने भी एक टाइम पे इलेक्शन लड़ा था, तो बीबी ने कहा दैट इज अ वेरी हिस्टोरिकल उनके लिए, हाँ, तो मुझे उन्होंने कहा कि गो एंड सर्व द पीपल, तो मुझे इसलिए उस इलाके से दिया, तो मेरे फादर अंदरून शहर से लड़ते थे, उन्होंने वहीं से कंटेस्ट किया मैंने कोडलकपत से, तो आई लॉस्ट विद अ वेरी क्लोज नैरो मार्जिन, काफ़ी अच्छी 15,500-16,000 के करीब था एमपीए की, बट ये हार जीत होती है क्योंकि इस मुल्क में आपको पता है इलेक्शन जिस तरीके से होते हैं, जो तो वो आई लॉस्ट इट, लेकिन मैंने उसके बाद 5 साल हल्के के अंदर मैं रहा, मैंने वहाँ पे ऑफिस बनाया, आई सर्व द पीपल, बहुत लोगों की खिदमत की, अभी तक लोगों के साथ रबता है, ज़ाती तलुकात बने हुए, तो वो एक कॉन्टीन्यूटी चल रही है। उसके बाद फिर क्या हुआ कि इलेक्शन व्हेन आई लॉस्ट, तो उसके कुछ माह बाद फिर आई स्टार्टेड होस्टिंग अ टॉक शो ऑन टेलीविजन, ओके, फिर 2 साल मैंने लाइव टॉक शो किया एक वन ऑफ द लाइव प्रोग्राम्स, उसके अलावा फिर मैंने पीटीवी पे बजट के सेशंस किए, प्री बजट पोस्ट बजट सेशंस, यानी आपने कोई शोभा नहीं छोड़ा, बस वो कोई अल्लाह की तरफ से था, मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था, समबडी ऑफर्ड मी, वो अपॉर्चुनिटी थी, आई वेटेड, ओके, तो वो फिर 2 साल मैं कंटीन्यूअसली रोज लाइव टॉक शो करता था डेली, जो करंट अफेयर्स के ऊपर जो डेली की डे टू डे एक्टिविटीज या इवेंट्स होते थे पॉलिटिकल, उसको डिस्कस करते थे, देन आई लेफ्ट दैट, फिर उसके बाद मैंने कुछ देर बिजनेस किया, एक्सपोर्ट किया,
क्लिंकर, सीमेंट, रॉक सॉल्ट और ये चीज़ें एक्सपोर्ट करता रहा। फिर जिप्सम को भी एक्सपोर्ट किया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि माय फादर सेड कि मेरी लॉ फर्म है, उस लॉ फर्म को यू शुड रन इट। तो आई वॉज नॉट अ लॉयर एट दैट टाइम, क्योंकि मैंने 99 में पार्ट वन किया था LLB का। फिर आई लेफ्ट, आई वेंट फॉर माय मास्टर्स अब्रॉड। तो फिर मैंने 2009 में आई स्टार्टेड लॉ। फिर 2012 से ऑनवर्ड्स आई हैव बीन रेगुलरली प्रैक्टिसिंग लॉ। तो वाले साहब की लॉ फर्म जो है बदर लॉ एसोसिएट, उसको मैं देखता हूँ। तो जब वो मैं कर रहा था तो बीच में आई वॉज आई गॉट एक्टिव इन लाहौर चैम्बर। तो लाहौर चैम्बर के अंदर मैं यूथ की कमेटी को ऐड करता था, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान में करता रहा FPCCA। फिर सार्क चैम्बर वालों ने दे नॉमिनेटेड मी एज अ वाइस चेयरमैन ऑफ सार्क चैम्बर यंग एंटरप्रेन्योर्स फोरम। तो वो फिर वो सार्क का भी मैं लाइफ मेंबर अभी तक हूँ। तो वो उस प्लेटफॉर्म को एक्टिव किया। फिर 2014 में वी होल्डेड अ वेरी बिग यूथ कॉन्फ्रेंस यहाँ पे लाहौर में। उसका फर्स्ट डे जो इनॉग्रल सेशन था वो लगा उसमें। फिर सेकेंड डे इकबाल ऑडिटोरियम में, इस तरह करके हमने उसको बड़ा अच्छा, आठ मुल्कों से लोगों को बुलाया। तो 250 के करीब डेलीगेट्स थे, सीनियर्स भी आए, यंग लोग भी आए। फिर उस साल somebody nominated me for a young global leader in World Economic Forum. It's an honorary title. So 15 में then they asked me to join as a young global leader. Young global leader एक title है जिसको YGL कहते हैं। ये आज तक 2020-21 तक, 21 के तो भी नहीं आए, 2020 तक कोई 7.5 बिलियन की पॉपुलेशन से 12-1300 लोगों में पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान से बहुत बड़े एजाज के, पाकिस्तान से भी कोई 10-12 लोग हैं, 15 लोग हैं। सो आई एम वन ऑफ देम। सो गॉड हैज बीन वेरी काइंड। फिर वो जब बना तो उसके बाद आई अप्लाई फॉर सेवरल स्कॉलरशिप्स। उसके बाद फिर आई डिड अ स्पेशलाइजेशन फ्रॉम हार्वर्ड कैनेडी स्कूल इन पब्लिक पॉलिसी एंड ग्लोबल लीडरशिप। फिर उसके 2 साल बाद एक और किया मैंने अप्लाई स्कॉलरशिप। फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मुझे ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप की एग्जेक्टिव डिग्री वहाँ से मैंने वो किया, उनके सेट बिजनेस स्कूल से। तो इस तरह करके फिर केप टाउन यूनिवर्सिटी से मैंने स्पेशलाइजेशन की चेंज इन लीडरशिप में। अभी वर्चुअल जो सेशन हो रहा था अगस्त सितंबर में, तो एक और स्पेशलाइजेशन थी स्ट्रेटजीज फॉर सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, वो ऑनलाइन मैंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से की। माशाल्लाह। सो ये क्या कि ऑनलाइन कोई ना कोई वो आता रहता है स्कॉलरशिप, तो आई कीप ऑन अप्लाइंग। उसका एक क्राइटेरिया होता है कि यू राइट, उनके क्वेश्चनेयर होता है, यू राइट इट डाउन, देन दे शॉर्टलिस्ट यू। 400-500 लोग या 1000 लोग करते हैं, तो वो 50-60 लोग उसको सिलेक्ट करते हैं। तो मैं हर साल कहीं ना कहीं करता रहता हूँ, वो कहीं ना कहीं हो जाता है, कभी हुआ कभी नहीं हुआ। तो ये सारी वो चलती रही। फिर अभी करंटली आई एम द चेयरमैन ऑफ डिप्लोमेट अफेयर्स कमेटी इन लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन। पिछले 2 साल से 2018 से अभी तक चल रहा है, ये भी फरवरी 2021 तक ये रहेगा। तो आई कीप ऑन डूइंग एक्टिविटीज जहाँ पे मुझे मौका मिलता है कि आई कैन कॉन्ट्रीब्यूट। और लॉ के अंदर भी आई डील विद लिटिगेशन पार्ट, कि वो चाहे लेबर कोर्ट की हो, चाहे सिविल हो, चाहे क्रिमिनल हो, चाहे बैंकिंग हो, कंज्यूमर हो, FST हो, PST हो, एंटी करप्शन हो, सोशल सिक्योरिटी हो, मार्केट कमेटी, कहीं की कोई लिटिगेशन है वो मैं उसको प्रिपेयर, उसकी ड्राफ्टिंग, उसका रिप्लाई, उसको प्रेजेंटेशन जी कोर्ट के अंदर अपीयरेंस मेरी अपनी होती है। और आई हैव द ऑनर ऑफ अपीयरिंग बिफोर ऑलमोस्ट most of the platforms, forums of litigation at different levels. MashaAllah. So, wo main appear hua sara, aur different jo segments hain law ki, un sabko maine taiyar kiya, uske andar koshish ki hai. Usse ye hota hai ki aapka thoda sa concept clear ho jata hai, you get to learn a lot. To meri suggestion bhi yahi hoti hai young lawyers ko, ki aap ko pass jo kis kisam ka bhi case hai na, aap usko
टेक अप करें, उसको तैयार करें, सीखें, लोगों के साथ मुशावरत करें, सीनियर से सीखें और उसको तैयार करके खुद प्रेजेंट करें। उससे ये कि आपका कॉन्फिडेंस बनता है और आपको बेहतर आइंदा के लिए एक स्ट्रेंथ मिल जाती है कि आपने ये केस किया था उसी की बेस पे आप आगे करते हैं। सो दिस इज अ वेरी शॉर्ट थिंग दैट आई टोल्ड यू। ये सारी एक्टिविटी चलती रहती है और बैकग्राउंड भी मैंने आपको बताया। अली भाई, आपने भी पंजाबी के लिए भी कुछ किया है पोर्टफोलियो में मैंने। जी जी, बेसिकली जी मैं आपको बताता हूँ, वो पंजाबी का मिस हो गया। उसकी वजह के हमारे ना फैमिली फ्रेंड्स काफ़ी ऐसे हैं, जब डिवीजन हुई तो वो इंडिया से यहाँ तक लग गए, तो सरदार लोग हैं, तो उन लोगों का पाकिस्तान 97 में वो आए, तो उनके साथ वो एक रीयूनियन हुई, जान पहचान उनके बड़ों के साथ मेरे बड़ों का तल्लुक था, तो वो सेकंड थर्ड जनरेशन का तल्लुक था। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कहते हैं वर्ल्ड पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज फॉर द ब्रदरहुड ऑफ पंजाबीज ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो उनके कोई 22 मुल्कों में चैप्टर्स हैं। तो वो फिर पाकिस्तान जब आते थे तो मेरे फादर जो कि पैटर्न थे पाकिस्तान के, तो हम उनके साथ एक्टिविटी करते रहते थे, उनको होस्ट करते थे, घुमाया फिराया। बसंत पे वो ज़्यादातर आते थे, अब तो लोगों को पता ही नहीं बसंत नई जनरेशन को तो पता ही नहीं कि बसंत क्या है। तो वो बसंत पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी होती थी। तो उस उन्होंने फिर मुझे, चूँकि मैं एक्टिव रहता था, तो वो जो उस टाइम पे थे जनरल सेक्रेटरी वर्ल्ड पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन के, ही शिफ्टेड टू अमेरिका, तो उन्होंने फिर उनकी जगह मुझे बना दिया। सो वो ये कि पंजाबी कोई भी एक्टिविटी हो, कोई मामला हो, तो उसको हम बिल्कुल करते हैं। जी 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 वर्ल्ड में, जी जी वर्ल्ड पंजाबी हो, तो उसमें ये कि कहीं दुनिया के मुल्कों में भी कोई एक्टिविटी हो, लोगों की खुशियाँ हो, गमी हो, उसमें भी कहीं ज़रूरत पड़े तो बिल्कुल इन्वाइट करते हैं, हम जाते हैं और नए चैप्टर्स खुलते हैं उसमें भी बुलाते हैं। तो वो सरदारों के साथ हमारा बड़ा अच्छा फैमिली फैमिली रिलेशन है जी, क्योंकि इकट्ठे रहे हम लोग सारा जी। वो एक चीज है कि उसके अंदर फिर ऐसे लोगों के साथ आपका एक हारमोनी बन जाती है, तल्लुक बन जाता है, जो कि आपके और मुल्क की भी आपका ख्याल करते हो, पाकिस्तान से भी प्यार करते हो और पाकिस्तान का ख्याल भी करते हैं और लोग एक दूसरे की इज्जत भी, तो फिर आपका ऑलरेडी फिर उनके साथ एक अच्छी केमिस्ट्री डेवलप हो जाती है, तो आप भी फिर उनकी इज्जत करते हैं, रेसिप्रोकेट करते हैं, तो ये इज्जत के रिश्ते हैं। तो रहते तो वो अपने अपने शहरों में, हम अपने मुल्क में, बिल्कुल लैंग्वेज एक ऐसी चीज है जी जो दुनिया में किसी कोने में भी जाए आपकी पहचान हो जाए जी, उसी से एक रिलेशन भी डेवलप होता है जी। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ अली बदर साहब है जो कि फर्जंद है जंगीर बदर साहब के भी, और इंशाल्लाह अब मिलते हैं आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। बीपी शहीद के बाद हमारे साथ भी बड़ी ज्यादा हुई, लेकिन सिर्फ बीपी की वजह से, मेरे वालिद ने बोला कि बीपी ने इतनी इज्जत इतना टाइम गुजारा तो हमें पार्टी को छोड़ना नहीं चाहिए, तो दैट वाज द रीजन वी स्टेड इन द पार्टी। तो अप एंड डाउन आते रहते हैं, चीजें होती रहती हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने मुफाद की खातिर वो देखें या तो ऐसा डिसीजन लेने या पार्टी चेंज करें। वेलकम बैक नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है अली बदर साहब जी। अली भाई आपके यहाँ पर मुझे बैठे हुए बड़ा अच्छा फील भी हो रहा है माशाल्लाह, हर तरफ जंगीर बदर साहब की पिक्चर्स और डिफरेंट यानी जो हमारे सियासी लीडरान हैं स्पेशली मोहतरमा और जुल्फकारी भट्टो साहब के साथ, क्योंकि आपकी सियासी ट्रेनिंग और सियासी कह सकते हैं आपकी तरबियत हुई है, तरबियत का हिस्सा भी है, तो आप कुछ हमें बताएं कि उन दिनों की बातें जब मोहतरमा भी आपके घर आती थी और बेगम साहबा भी आती थी, और आपने तो बड़े शब फ्राज देखे इसमें, और स्पेशली मैंने दो चार क्लिप्स भी देखे मोहतरमा ने जब आपके लिए कहे भी हैं, बड़े अच्छे वर्ड्स भी कहे उन्होंने कि हमें अली जैसे यानी कि यंगस्टर्स की ज़रूरत है कि हमारी पार्टी को, तो पहली बात तो कैसा फील होता था और अब कैसा फील होता है? देखिए, जो बीबी शहीद थी ना, शी वॉज अ मदर टू अस, और वो बिल्कुल एक हमारी माँ थी और पार्टी की भी माँ थी, लेकिन रिश्ते में मेरे वालिद साहब की वो बिल्कुल बहनों की तरह थी और हमारी फैमिली मेंबर थी। सियासत तो एक जगह होती है, लेकिन सियासत से आगे का रिश्ता ये था कि शी वॉज लाइक अ फैमिली मेंबर, कोई आप सियासी वस्तगी से आगे का मामला होता है,
आप उस फैमिली को छोड़ के आपके साथ बहुत ज्यादा बच्चों की तरह बहुत ज्यादा इज्जत करती थी मेरे फादर की, बहुत ज्यादा रिगार्ड करती थी, बिल्कुल एक बहन भाइयों की तरह रिलेशन था। और यही वजह थी कि बाज दफा पार्टी के अंदर आपको मुश्किल टाइम भी आता है, आपको पार्टी में लोग नुकसान भी पहुंचाते हैं, आपको सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है। बीबी शहीद के बाद हमारे साथ भी बड़ी ज्यादती हुई, लेकिन सिर्फ बीबी की वजह से। मेरे वालिद ने बोला कि बीबी ने इतनी इज्जत इतना टाइम गुजारा तो हमें पार्टी को छोड़ना नहीं चाहिए, तो दैट वाज द रीजन वी स्टेड इन द पार्टी। तो अप एंड डाउन आते रहते हैं, चीजें होती रहती हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने मुफाद की खातिर वो देखें या तो ऐसे डिसीजन ले लें या पार्टी चेंज कर दें। अपॉर्चुनिटी हमारी पार्टी के अंदर जो उस टाइम के हालात थे 2013 में जब गवर्नमेंट खत्म हुई है, तो ह्यूमिलिटी भी होती है, आपको सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है, दिस इज ऑल पॉलिटिक्स, इंटरनली भी आपको इश्यूज आ जाते हैं। बट वो जो बीबी के साथ और भुट्टो साहब के साथ एक कमिटमेंट थी मेरे फादर की, एक एफिलिएशन थी वो पुरानी है जी, वो एफिलिएशन वही बता रहा हूँ, एक सिंसेरिटी का रिलेशन था, एक इज्जत का रिलेशन था। तो हम पार्टी के अंदर हमारे पास कोई उहदा हो ना हो, कोई चीज हो ना, तलक रहने वो बरकरार, तो वो इस फैमिली के साथ वो रहेगा, ठीक है। बीबी के बच्चों के साथ है तो बहुत प्यार से इज्जत देते हैं हमें, रिगार्ड से मिलते हैं, यानी हमें सिर्फ इज्जत के ही हम भूखे, हमें तो और कुछ चीज चाहिए नहीं। वी आर नॉट पावर हंग्री पीपल के हम पार्टियां चेंज करें और जाएं अपने मुफाद की खातिर। वो 2013 में भी मेरे फादर को ऑफर हुई कि आप भी और आपके बेटे को भी, और इस तरह 2017-18 के इलेक्शन में भी मुझे उन्होंने कहा कि आप इलेक्शन लड़े, लेकिन मैंने इलेक्शन कंटेस्ट ही नहीं किया। मैंने कहा पार्टी में हम कुछ हो ना हो, इलेक्शन लड़े ना, हमें वी शुड स्टे इन पार्टी, इसमें ज्यादा इज्जत वाला काम भी यही है। तो वी स्टेड इन द पार्टी। बीपी के साथ ऐसा था कि बीपी वॉज अ विजनरी लीडर, और बीपी के साथ मेरे फादर का जो एक ट्रस्ट का रिश्ता था दैट वॉज अ फिनोमिनल, कि मेरे फादर के साथ, मेरे फादर ने उनको जो चीज कहनी, क्योंकि पॉलिटिक्स के अंदर ना आपको पता है ग्रुप्स होते हैं, लोगों की ग्रुपिंग होती है, टीम्स होती हैं। सो माय फादर हैड नो ग्रुप, माय फादर ग्रुप वाज ऑफ बीबी, तो वो बीबी का इंटरेस्ट ही वॉच करते थे कि बीबी को किस चीज में फायदा है। तो उसके लिए बीबी को भी इस बात का पता था कि ये दुनिया इधर से उधर हो सकती है, मुझे जेबी जागीर बदर नहीं कभी छोड़ के जाएगा, और इसी चीज के लिए उन्होंने कोड़े भी खाए, जेलें भी बर्दाश्त की। मुशरफ दौर, मेरे फादर पाकिस्तान के वाइट लीडर हैं, जो जनरल अयूब खान के दौर से लेके मुशरफ तक चारों मार्शल्ला में जेल में थे। कौन जाता है जेल में आजकल के दौर देख ले, पार्टी के वो लोग ही खत्म हो गए, कि लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं रहा। भी बदर साहब का स्टेक था लाहौर की सियासत में, पंजाब की सियासत, पाकिस्तान के, दुनिया के, और उनका एक रवायती अंदाज था बोलने का, साफ बात करते थे, वो खुली बात करते थे और खुले ज़हन के साथ। उसकी वजह कि वो बड़े क्लियर हेडेड आदमी थे, और उनके अंदर कोई आर्टिफिशियलनेस नहीं थी, बिल्कुल ऐसी, और उनका जो अपना लाहौरी स्टाइल था वो उसी को अडॉप्ट करते थे। वो कहते थे कि यार मैं इधर उधर से मुंह टेढ़ा करके अंग्रेजी बोलने से बेहतर है मेरा अपना स्टाइल है, मैं इसी को अडॉप्ट करूं, इसमें ही मेरी इज्जत है, इज्जत है, और वही रहा एंड तक। तो बहुत सारे ऐसे सियासतदान हैं जिन्होंने टाइम के साथ चेंज भी हो गए, नहीं जिन्होंने इतनी पढ़ाई लिखाई की नहीं, सिर्फ बाहर जाके कुछ साल गुजारे और मुंह टेढ़ा करके अंग्रेजी बोलनी सीख ली, वो दैट डजंट मीन कि आप तो काठे अंग्रेज हैं या बाहर से आप पढ़ के आए। अंग्रेजी आपको बोलने से आपको इज्जत नहीं मिलती, बिल्कुल इज्जत आपको मिलती है, बिल्कुल इज्जत आपको मिलती है कि बी व्हाट यू आर, बिल्कुल कि आप जो हैं आप वही हैं, वही है, आपका अंदर बाहर एक होना चाहिए। बड़ी क्लैरिटी थी कि अगर वो आपके दोस्त है तो वो आपके दोस्त है, और अगर आपके दुश्मन है तो वो आपके दुश्मन है। उनका धड़ा बड़ा पक्का था कि वो अपने धड़े के साथ होते थे, जाति दुश्मनी थी कोई नहीं, सियासी मुखालफत होती थी तो वो सियासी दड़ा जो होता था ना, जिसके साथ होते थे उसके साथ होते थे, और जिसके मुखालिफ होते थे उसके मुखालिफ होते थे, समझ गए। वो बीच वाला काम नहीं था,
कि जी आप मिलते भी हैं और दोस्त भी ऊपर ऊपर से हैं और अंदर से मुनाफकत मुनाफकत नाम की चीज नहीं थी, क्लियर थे और लोगों को पता होता था कि ये बंदा हमारे साथ है और ये नहीं है, ठीक है। जो आपको पॉलिटिक्स के अंदर और जिंदगी के अंदर आपको बड़ा जरूरी है कि आपकी जिंदगी में सोलो प्रिंसिपल हो, उसके विदाउट आपका बिल्कुल आपका करेक्टर बड़ा क्लियर होना चाहिए, करेक्टर लीडरशिप होनी चाहिए, आप ऑथेंटिक होने चाहिए कि आप जो हैं ना बस वही हैं, आपके अंदर आर्टिफिशियलनेस नहीं आना चाहिए, फिर आपके अंदर इनोवेशन होनी चाहिए कि चेंजिंग विद द चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस, जो हालात चेंज हो रहे हो। अब बीबी शहीद ने जब 86 में आना था अप्रैल 10 अप्रैल 86 को, किसी को नहीं पता, बीबी को खुद भी नहीं आइडिया था उस टाइम पे कि पाकिस्तान में मुझे कितने लोग लेने आए हैं, बदर साहब को पता था क्योंकि वो 85 में जब जेल में ही थे बीबी ने उनको ट्रस्ट की, मैंने आपसे बात की ना 85 में वो जेल में थे मार्च 85 में जब उनको जेल के अंदर ही प्रेसिडेंट पंजाब बना दिया गया, और फिर जब वो निकले तो उन्होंने फिर बीबी शहीद के लिए गली गली मोहल्ला मोहल्ला कस्बा गांव फिरे और लोगों को बताया कि बीबी कौन है, देखे ना आपको बताना पड़ता है लोगों को बताना पड़ता है कि बीबी आ रही है, बड़ी मेहनत की है। तो आप देखिए कि बीबी जब आई दैट वाज द बिगेस्ट रिसेप्शन इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड के किसी सियासी आदमी का इतना बड़ा इतना बड़ा रिसेप्शन आज तक की तारीख में नहीं हुआ सियासी लीडर का, कि जब वो पाकिस्तान आई तो 30 लाख से ज्यादा लोग सड़कों पर, काउंटलेस इससे भी ज्यादा। तो ये एक इनोवेशन भी थी ना, उस टाइम मोबाइल था ना, उस टाइम डिजिटल मीडिया कुछ भी नहीं था, ना सोशल मीडिया ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हम छोटे थे, हमें पता है लाहौर एयरपोर्ट से लेकर मीनारे पाकिस्तान तक बंदा ही बंदा। तो बात कहने की ये है कि ये सारा उनको एक क्रेडिट जाता है, उन्होंने पार्टी को ऑर्गेनाइज किया। आज पार्टी के अंदर डिफिकल्टी ये है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ग्रास रूट लेवल पे लोगों के साथ इंट्रोडक्शन नहीं, लोग हमारी पार्टी का यही वजह है अली साहब के पंजाब में, सॉरी टू से कि पीपल्स पार्टी की पोजीशन वो पहले जैसी नहीं रही जब वो पुराने लोग थे, वर्कर्स थे। देखिए वो वर्कर हैं लेकिन हमारी पार्टी का एक कल्चर है, हमारे जो लोग हैं वो गरीब लोग होते हैं, मजदूर, वो सिर्फ इज्जत मांगते हैं, वो कहते हैं कि हमारे साथ रابطہ रखा जाए तो और कुछ नहीं मांगते। तो वो जो कनेक्टिविटी टूटी हुई है वो इंशाल्लाह ताला बिलावल साहब पे हमें बड़ी उम्मीद है कि वो, और बिल्कुल उनका पैशन भी है, और कई दफा मेरा उनके साथ जो भी कोई डिस्कशन हुआ तो उन्होंने कहा जी हमें बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है, बट वो करेंगे। आई कैन सी दैट स्पार्क इन हिम, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, तो वो उनके अंदर वो स्पार्क है, पैशन है। अली साहब, बद्र साहब से क्या सीखा आपने, क्योंकि आपके फादर भी थे वो एक ऐसे लीडर भी थे, और आपकी तरबियत में वो झलक तो वही नजर आती है, आपने क्या सीखा पर्सनली? देखिए कोई एक चीज नहीं थी, आप मैं तो बचपन से लेके आखिरी दिन तक उनके साथ ही, तो वो जब भी कोई सियासी लोगों में बैठते थे या कोई मीटिंग करते थे या कहीं कोई सियासी डिस्कशन कर रहे होते थे या बीबी को मिल रहे होते थे या किसी और को, तो मोस्ट लाइकली मैं साथ ही होता था, तो मैं सारा दिन फिर वो देख रहा होता था, बल्कि मैं कई चीजों में उनको असिस्ट भी करता था कि पापा ऐसे नहीं ऐसे ऐसे नहीं। तो उससे क्या होता था कि बहुत सारी जो सियासी चीजें हैं वो मुझे सीखने को मिली। फिर बीबी के साथ मेरा 2004 से वो जो आपने क्लिप देखा मेरी प्रोफाइल में बीबी ने का, वो बीबी को मैं जनवरी 2004 में मिला, तो वी हैड अ डिस्कशन ओवर अ लंच फॉर 2 आवर्स, तो उन्होंने पहले तो गपशप लगाई, फिर उन्होंने मेरे से बातचीत की, तो जब उनको पता चला कि मेरी बातचीत के बाद तो उन्होंने मुझे कहा कि व्हाई डोंट यू कम एंड जॉइन पॉलिटिक्स, तो उस टाइम पे मैं काम कर रहा था, फिर मेरे फादर ने भी कहा बीबी अभी ये काम कर रहा है तो इसको अभी थोड़ा सा काम करने दे, तो बीबी ने कहा कि नो आई वुड लाइक। फिर 2007 में मार्च में मैं बीबी को दुबई में दोबारा मिला, बीच में भी ऑन एंड ऑफ मिलता रहता था, उस टाइम पे शी आस्क्ड मी कि अब मैं जब पाकिस्तान आऊंगी तो यू हैव टू वर्क विद मी, बिल्कुल। सो वी हैड अ लॉन्ग डिस्कशन, तो काफ़ी चीज़ें उनके साथ मेरी डिस्कस हुई, तो वो दैट वाज अ डिफरेंट प्लान, अगर वो आती अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी देता तो वो चीज़ें हम इम्प्लीमेंट करते हैं पाकिस्तान के लिए, बड़ा
तो उसके बाद किसी ने हमारे से पूछा नहीं ना, मैंने नहीं, किसी ने पूछा ही नहीं, क्योंकि देखे ना आइडिया अगर इम्प्लीमेंट ना हो तो हाँ बीबी ने एक दो और चीजें कही हैं, उसके ऊपर मैं आजकल काम कर रहा हूँ, उसको हम इंशाल्लाह लॉन्च करेंगे अपनी पर्सनल कैपेसिटी के अंदर, तो वो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के फ्यूचर जनरेशन को और पाकिस्तान के पोलिटिकल लैंडस्केप के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, तो वो बड़ा फर्क पड़ेगा यहाँ पे इंशाल्लाह। तो वो आपने एक जिंकी बदर साहब के नाम पर एक इंस्टीट्यूट भी जी जी, मैं उसी के ऊपर काम कर रहे हैं। अच्छा जी, हाँ, वो प्रैक्टिकल, वो क्या है थोड़ा सा जी, वो बेसिकली नहीं, वो हेल्प नहीं है, वो बेसिकली हेल्प इस तरह है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे यंग लोग हैं जिनके अंदर बहुत पोटेंशियल है, नो डाउट, अब उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता कि वो आए अपने स्किल्स को या पोटेंशियल को जो है रिफाइन करें, तो उसके अंदर हम उनको मेंटोर करें, ओके, वी विल डेवलप देम, देयर लीडरशिप मोटिवेट, और जी हम उनको ट्रेन करेंगे फॉर फ्यूचर लीडरशिप, वो जिस तरह के इफ ही इज अ बिजनेस लीडर, सोशल एंटरप्रेन्योर है, बिजनेस एंटरप्रेन्योर है, वो नॉलेज एंटरप्रेन्योर है, वो पॉलिटिकल एंटरप्रेन्योर है, वो किसी भी फील्ड से है, तो हम उसको हेल्प करेंगे, वी विल डू द मेंटरिंग। ये तो बहुत अच्छा काम है, तो हम उसी के ऊपर काम कर रहे हैं, सदका जारी है जी जी बिल्कुल। तो this I wanted to contribute to the nation and to the country, so inshallah taala, so there are a lot of people with me ki main aapki bhi hame help chahiye hogi ji, to uske andar ye ki we will collaborate in order to, kyunki this will be a non profit thing, but ye ki usko hum scaling kar rahe hain ki usko jab start kare to pakistan ke tamam logo ko, specially lower class aur middle class logo ko, under 40 30 under 20 जो लोग हैं उनको जो जिनके अंदर पैशन है, जो कुछ करना ड्रीम चाहते हैं, ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर इन पाकिस्तान, जरूरत है उनको, उनको हम ट्रेन करेंगे कि वो जो चाहते हैं उस एप्टीट्यूड के मुताबिक उनको ट्रेन करें, क्योंकि वो कहता था कि खास साथी तो पे लीडर्स आते थे, अभी भी आते हैं, चेंज हो गया है, अभी भी आते हैं, लेकिन हम जो चीज करने जा रहे हैं हम उनकी ट्रेनिंग ही ऐसे करेंगे कि बाय द टाइम, जैसे अभी इमरान खान साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं, सो ही हैज नॉट गॉन थ्रू द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एंड लर्निंग, सो जब वो ऑन जॉब आके बैठे हैं उनका हैंडफुल ऑफ नॉलेज नहीं था, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं था, उन्होंने कभी जिंदगी में जॉब नहीं की, उस ना करने की वजह से, वो एक्सपीरियंस ना होने की वजह से, वो ही हैज अ इनकैपेसिटी, इनकैपेबिलिटी टू परफॉर्म, टू डिलीवर टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान जी, बिल्कुल। देखे बंदा बड़ा अच्छा हो सकता है, लेकिन अच्छा बंदा ऑनेस्ट हो, बट ही डजंट हैव दैट कैपेसिटी ऑफ परफॉर्मिंग, क्या कि डिलीवर ना कर सके। देखे मैं बड़ा अच्छा आदमी हुआ, बट अगर मैं गाड़ी को ठीक ना कर सकता हूँ तो मेरी ऑनेस्टी काम की नहीं है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आई शुड बी अ स्किलफुल पर्सन, सो व्हाट आई हैव लर्नड इन लाइफ, मैंने जो वालिद साहब से सीखा, बीबी से सीखा, जो मैंने प्रैक्टिकल ग्रास रूट से सीखा, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हुआ इलेक्शन लड़के, और जो मेरी पढ़ाई से हुआ, जो मैं डेली डिफरेंट फोरम्स में, चैम्बर्स के फोरम्स हैं, बार एसोसिएशंस के हैं, साप का है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का है, इस तरह करके सीपीसी जो चाइना की पार्टी है उसके ऊपर भी मैं गया, तो वहां से जो जो मैंने सीखा, सो वी आर कंपाउंडिंग ऑल दैट एंड वी विल अप्लाई टू द यंग लीडर्स इन पाकिस्तान, और वी विल डेवलप दोस लीडर्स थ्रू JBIVR, जहांगीर बदर इंस्टीट्यूट ऑफ विजन एंड लीडरशिप। चले मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ है, अल्लाह करे बहुत जल्द हो जी और लोगों इससे फायदा हो, लोगों को बिल्कुल। अच्छा अली साहब, फ्यूचर्स के क्या, इसके अलावा क्या प्लान्स है, क्या सोच रहे हैं आप? एक तो आपकी लॉ फर्म है जिसको आप देखते हैं, इसके अलावा सियासत में दोबारा से इन होने का कुछ प्लान है कि नहीं अभी के बिजनेस को देखने से? देखिए ऐसा है कि जो लॉ फर्म है दैट इज आवर ब्रेड एंड बटर, के मेरे फादर भी जो लॉ फर्म ही देखते थे, वहाँ पे एसोसिएट बैठते थे, खुद तो वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करते थे, बट हमारे जो रिटेनरशिप थी और जिन कंपनियों की लीगल एडवाइजरशिप थी वहाँ से हमारा ब्रेड एंड बटर चलता था, और उसी को मैंने कंटिन्यू किया है, देखता हूँ, और विरासती काम भी था जी, वो एक है, और विरासत भी ऐसी चीज होती है कि अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी ना हो आप उसको संभाल ना सके, आगे चलते नहीं। आप डॉक्टर भी बनते हैं तो मेहनत से बनते हैं, वकील बनते हैं मेहनत से बनते हैं, तो एक कॉन्सेप्ट चलता है कि जी, होता नहीं है ये जी, आप ये देखें ना कि अगर कोई बंदा
एक बंदा सिंगर है तो उसके बच्चे भी सिंगर बन जाते हैं, एक बंदा डॉक्टर है तो उसकी फैमिली में ज्यादातर डॉक्टर बन जाते हैं, अगर कोई कारोबारी आदमी है तो वो कारोबारी उसके बच्चे बन जाते हैं, क्योंकि एक बना बनाया प्लेटफॉर्म होता है तो वो उसको आगे लेके चलते हैं। सो माय फादर हैज अ बिग लेगेसी, तो उसको मैं कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ, संभालना, उसको मेंटेन करने, रिटेन करने, यही मेरे लिए बड़ी बात है। तो लॉ फर्म को तो वो रखेंगे हम ताकि हमारा वहाँ से ब्रेड एंड बटर चलता रहे। एक ये जो नॉन प्रॉफिट का काम है जेबी आईवेल का भी आपसे जो डिस्कस हुआ इसको करेंगे। बाकी रह गई पॉलिटिक्स की बात, देखिए पॉलिटिक्स तो इज अ पार्ट एंड पार्सल, वो तो हमारा लाइफ का हिस्सा है, हम सारा दिन देखते हैं, कमेंट करते हैं। तो अगर पार्टी की ज्यादा एक्टिविटी होगी, पार्टी समझेगी कि तो काम लेना है या चीजें करनी है तो बिल्कुल करेंगे, अदरवाइज जितना जितना पॉलिटिक्स के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन होगा तो वो करते रहेंगे। जैसे अभी कोविड स्टार्ट हुआ तो आई स्टार्टेड राइटिंग आर्टिकल्स, तो वो मेरे अखबार में पब्लिश होते रहे, तो वो मैं अपना एनालिसिस और अपना जो इकोनॉमिक्स के ऊपर डिफरेंट मेरे टॉपिक्स के ऊपर थे, वो बैकग्राउंड फॉर न्यू, आजकल आप सुनते होंगे एक नया निज़ाम की बात होती थी कि वो बैकग्राउंड जो थी नए निज़ाम की वो कहाँ से आई, और उसके बाद डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट है, डिजिटलाइजेशन ऑफ कोर्ट्स है, डिजिटल इकोनॉमी है, रीथिंकिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसी है, इलेक्शंस इन पाकिस्तान है, इस पे 3 आर्टिकल थे। तो डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर मैं लिखता रहता हूँ, रोल ऑफ मीडिया था, तो इस तरह करके डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड सीपैक, सो आई रोट नंबर ऑफ आर्टिकल्स तो डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर। उससे ये कि अपना उसके अंदर एक तो बताया कि करंटली हम किधर हैं और क्या बेहतरी हो सकती है और फ्यूचरिस्टिक के क्या मामला है। तो सर इतनी बिजी लाइफ में अपनी फैमिली को किस तरह से टाइम दे देते हैं सर? हाँ फैमिली क्या ये कि बिल्कुल टाइम, ये कोविड के दिनों में तो बहुत ज़्यादा टाइम दिया क्योंकि घर पे ही होते थे, बट ये जिस जगह हम बैठे हैं यहीं पर मैं सारा दिन, ये मेरे फादर का ऑफिस था, लाइब्रेरी थी, इधर मैंने इन्हीं दिनों में तस्वीरें वगैरह लगाई और सारा इसको थोड़ा सा बेहतर किया। तो फैमिली के साथ कहीं आना जाना हो, फैमिली फंक्शन हो, शादियाँ हो, और शाम को मैं घर आ जाता हूँ, फिर बच्चों के साथ टाइम गुजारा, कोई चीज़ें लेने गए या कोई, तो टाइम गुजरता है बच्चों के बच्चे जी। आई हैव 2 डॉटर्स एंड 1 सन जी। तो वो भी यानी कि वो अभी तो छुट्टियों की वजह से थोड़ी उनकी रूटीन अपसेट है, अदरवाइज स्कूल चल रहा था, एक रूटीन बनी हुई थी, जल्दी सोते थे, जल्दी उठते थे। कोविड की वजह से सारी एनवायरनमेंट चेंज हो गया जी। कोविड जो है ना इसके साथ तो लाइफ हैज चेंज, तो वो जो प्रोटोकॉल्स ऑफ लाइफ है वो चेंज हो गए, मिलना मिलाना चेंज हो गया, पहले आप हाथ भी मिला लेते थे, गले भी मिल लेते, अब वो भी चीज चली गई। देखिए हमारी रिवायत में ये सब चीजें हैं अभी है, बट ये भी है हमारी, इसको छोड़ना लेकिन थोड़ी एहतियात जरूरी है आजकल के दिनों में, तो वो एहतियात। अरे सर कोई मैसेज पाकिस्तानी आवाम के लिए एशियन ट्रेड टीवी के हवाले से? देखिए यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब, कीप ऑन डूइंग इट, और द मैसेज फ्रॉम मी टू द जनरल पब्लिक, टू द यंगस्टर्स इन पाकिस्तान, टू द यूथ ऑफ पाकिस्तान, यही है कि ड्रीम बिग, आप ख्वाब देखें, कोई उसकी ताबीर देखें, और अब बिलीव इन योर सेल्फ, बिकॉज आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपने अंदर आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप ये काम कर सकते हैं। मैंने ज़िंदगी में जितने काम किए तो मेरी कोई ट्रेनिंग या मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं भी हो सकता था, मुझे ये पता होता था कि मुझे ये टास्क दिया जाए, मुझे ये चैलेंज दिया जाए और मैं ये कर लूँगा। जब आपके अंदर ये पैशन हो, ये डिटर्मिनेशन हो, तो आप दुनिया के टू भी फतह कर सकते हैं, तो आप दुनिया को फतह कर सकते हैं इस चीज़ के ऊपर। लिहाजा बिलीव इन योर सेल्फ, और आप अपनी ज़िंदगी में सोचें कि आपने बनना क्या है, जो आपने बनना है उसी के ऊपर काम करें, और ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए हैव अ मेंटोर इन योर लाइफ, जिंदगी में एक मेंटोर या एक से ज्यादा मेंटोर जिनसे आप अपनी जिंदगी की हर बात शेयर करें। उससे क्या होगा, वो आपको प्रॉपर गाइडलाइन देंगे, प्रॉपर बताएंगे कि जिंदगी में आगे बढ़ना कैसे है, कहाँ पे 2 कदम पीछे लेने हैं और कहाँ पे 4 कदम आगे लेने हैं। सो ये जो आपका टॉपिक है ख्वाब से ताबीर तक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक ख्वाब भी देखें और उसकी ताबीर भी देखें, और जो ख्वाब देखे जाते हैं वो जागते हुए देखे जाते हैं, जितना बड़ा ख्वाब देखें उतनी
वो पूरे भी होते हैं। ये नहीं है कि कोई आदमी ख्वाब देखे और पूरा नहीं हो सकता। मैं नहीं समझता कोई ख्वाब ऐसा है जो पूरा नहीं होता। हर ख्वाब पूरा होता है, हर चैलेंज पूरा हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको अपने ऊपर यकीन होना चाहिए। बिल्कुल यकीन होना है। यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ और लुक फॉर अ मेंटोर। उससे क्या होगा कि वो आपको प्रॉपर गाइड करेगा। कोई ऐसा शख्स जिसके साथ आप अपनी हर चीज शेयर करें, वो आपको हर अच्छी चीज के बारे में बताएगा और बुरी चीज के बारे में बताएगा, और आपको बताएगा जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए क्या ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए, क्या ऐसे अमल करना चाहिए जिससे आपकी ग्रोथ के अंदर जो है फायदा मिले आपको, और क्या चीज अवॉइड करनी चाहिए जो आपकी ग्रोथ में रुकावटें पैदा करती हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। तो ये मियां साहब जी, बिल्कुल जी, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि जितना बड़ा ख्वाब होगा उसकी तबीर भी उतनी बड़ी होगी, लेकिन ख्वाबों की तबीर आसानी से नहीं नाजरें मिलती, उसके लिए स्ट्रगल की ज़रूरत है। जिसकी जिंदा मिसाल अली बदर साहब हमारे साथ है, जिनके साथ एक बहुत बड़ा नेम भी था वालिद का, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद अली बदर ने अपनी पहचान खुद इस सोसाइटी में बनाई। बहुत अच्छे मैंने इनको इंसान भी पाया है, और नो डाउट अपने प्रोफेशनल जो उनकी लाइफ है उसमें वो बहुत पीक तक है। अल्लाह ताला इनको और तरक्की दे। आपका दोबारा से अली बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने कीमती टाइम हमें दिया। आज आपके लिए एक खसूसी गिफ्ट भी है हमारे पास। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। हमारी स्पॉन्सर्ड कंपनी की तरफ से है, मॉडल स्टील की तरफ से। अच्छा, थैंक यू। जो कि बिलीव इन पाकिस्तान के ऊपर यकीन रखते हैं और ख्वाबों की तबीर के ऊपर यकीन रखते हैं, क्योंकि आप उनके हमारे हीरो थे आज के इस प्रोग्राम के लिए। ये गिफ्ट है आपके लिए, ये हमेशा आपको याद रहेगा कि आप ख्वाबों से तबीर तक के इस सफर में शाहिद मियां के साथ गए। और मियां साहब, ये जो ख्वाबों से तबीर है ना, ये आपको एक बात बताओ, ये माँ बाप की दुआओं के बगैर पूरा नहीं पॉसिबल नहीं। तो ये बड़ा जरूरी है कि आप अपने माँ बाप की दुआएं साथ जरूर लें, क्योंकि उनके बगैर हम कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। और आज जो भी है, आप भी हैं, देख ले हम जो कुछ है अपने बड़ों की वजह से। बिल्कुल, बड़ों की वजह से हमारी पहचान हुई है, ये बाकी चीजें पीछे रह जाए। बिल्कुल, तो ये बड़ा जरूरी है एक मैसेज देना यूथ को कि बड़ों के बगैर हम कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, तुम्हारी वो कंस्ट्रक्शन कहाँ तक पहुँची? अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक चल रहा है। यार एक मशवरा तो दो। हाँ। कंस्ट्रक्शन के लिए सरिया कौन सा खरीदूं? मॉडल स्टील का सरिया ही खरीदो। इसमें क्या खास बात है? मॉडल स्टील का सरिया जदीद तरीन क्वालिटी एश्योरेंस लैब से पास होता है, जहाँ पर इसकी मजबूती और मयार को परखा जाता है, और यूँ हमें बेहतरीन क्वालिटी दी जाती है, सिर्फ दावा नहीं किया जाता। अरे यार, मैं तो समझा कि तेरा ये दिमाग सिर्फ शतरंज में ही चलता है। मॉडल स्टील, मॉडल ऑफ स्ट्रेंथ।